मुझे हॉर्स राइडिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं। अगर इनको कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो मुझे सही सही रात नींद नहीं आती। घोड़ों को मेरी इतनी ज्यादा पहचान हो जाती है, मैं घोड़ों को आवाज लगाती हूँ ना रोकने के लिए तो वो मेरी आवाज से रुक जाते हैं, मेरी आवाज से वो चल जाते हैं। ऐसी खातून हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, उस टिकटॉक पे भी बहुत वायरल है। इनके इयररिंग्स जो हैं वो भी घोड़ों से बने हुए हैं। घोड़ों से इतना प्यार क्यों है ना? हॉर्सेस के साथ ही ज्यादा वायरल होता है मेरा कंटेंट। कुछ घोड़े तो मेरे साथ टिकटॉक्स बना बना के टिकटॉकर बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वानूर, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि एक हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, उसके साथ साथ टिकटॉक पे भी बहुत वायरल है। इनको कितना अर्सा अगर हॉर्स राइडिंग करते हुए इनका एक्सपीरियंस क्या है और घोड़ों से इतना प्यार क्यों है ना? अभी भी देख सकते हैं इनके इयररिंग्स जो हैं वो भी घोड़ों से बने हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। 23 ईयर्स ओल्ड, और आपके शौक इतने बड़े बड़े हैं, ये कहाँ से शौक आए? और हॉर्स राइडिंग का शौक बीइंग अ फीमेल ये कैसे आया? मिस शौक की कोई एज नहीं होती। बीइंग अ फीमेल हॉर्स राइडर आजकल जो है बहुत ज़्यादा फीमेल हॉर्स राइडर्स हैं, जैसे हमारी टेंट पैगिंग में हैं, पोलो में हैं। बाकायदा पाकिस्तान की एक टीम है जो इंटरनेशनली साउथ अफ्रीका में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और विन भी कर रही है। फीमेल की ही वो टीम है, तो इसी तरह मेरा भी गोल है कि इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पर मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, चाहे वो हॉर्स राइडिंग है या मैं जो अदर गेम्स में जिसकी मैं प्लेयर हूँ उसमें। लेकिन आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, उसके साथ साथ अपनी हॉर्स राइडिंग को मैनेज करना, आप एक बाइक राइडर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इतना एक्सपीरियंस कैसे आया और इतनी कम एज में? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट साइकिलिंग से किया था, साइकिलिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट की 2018 में मैंने ऑन रोड बाइक स्टार्ट की, और साथ ही मैंने अपना जो है वो उसके कुछ ही अरसे के बाद मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया। तो लाइसेंस मिलने के बाद मैंने ऑन रोड बाइक चलाना शुरू कर दी, और अब जब भी कहीं आना जाना हो तो मैं बाइक ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाइक पे एक तो आना जाना आसान है और फ्यूल भी जो है आपको पता है कितना महंगा है आजकल, कम यूज़ होता है उस पर। और मुझे ये बताइएगा कि आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए कितना टाइम पीरियड हो गया है और आपको सिखाने वाला कौन था? एकदम इंसान नहीं सीख सकता, ये चीज़ बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम नहीं सीखा जा सकता। मुझे हॉर्स राइडिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं, और इससे पहले मैं लाहौर रेस क्लब में आने से पहले मैं पोलो गैरिजन क्लब जाया करती थी, वहाँ पे मैं पोलो खेला करती थी। लेकिन वहाँ पर जो राइडिंग का तरीक़ेकार था वो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा नहीं हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था यहाँ की निस्बत। यहाँ पर रेसिंग होती है, यहाँ पर हम जोकी स्टाइल में बैठते हैं और जोकी स्टाइल में ही राइडिंग करते हैं, और पोलो में थोड़ी और तरह से राइडिंग होती है। तो यहाँ पर जब से मैंने लाहौर रेस क्लब में मैंने आना स्टार्ट किया, यहाँ पर जो मेरे उस्ताद हैं उनका नाम है अल्लाह रखा भाई, उनकी अपना क्लब भी है, उनका अपना स्कूल भी है एआर राइडिंग स्कूल के नाम से, तो उन्हीं से ही मैंने सीखा है, और उन्हीं से ही सीखने के बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं खुद कंट्रोल भी कर लेती हूँ, ले भी जाती हूँ, और सिर्फ एक नहीं डिफरेंट नेचर के घोड़ों पर, डिफरेंट जो है हैबिट वाले घोड़ों को मैं इजीली कंट्रोल कर लेती हूँ और उनको मैं काम दे देती हूँ। लेकिन हीरा फैमिली ने अलाउ कर दिया था आपको ये चीज़, एक फीमेल के लिए ये चीज़ एग्री करवाना, घर वालों को बनाना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हॉर्स राइडिंग के लिए घर वाले कोई मान गए थे आप? जी इजीली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मामा जो हैं, जब उनको पता चला कि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि मेरा साथ दिया इस मामले में। आपकी लाइफ जर्नी कैसी है, किन किन मुश्किलात का सामना पेश आया आपको? जो अभी माशाल्लाह आप कह रही हैं बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, एक फीमेल में भी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मैंने भी हासिल की है, लेकिन घोड़ों के साथ इतना प्यार है आपको कि आपके इयररिंग्स लॉकेट ये भी हॉर्स वाला है। जी बिल्कुल, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर जैसे जो मेरे फेवरेट हॉर्सेज हैं, अगर इनको कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो मुझे सही सही रात नींद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मेरे से खुद से खाना नहीं खाया जाता कि ये खाना नहीं खा रहे यार, क्या हो गया, ये क्यों नहीं खा रहे, आके मैं इनके पास खड़ी रहती हूँ, इनको देखती रहती हूँ। फिर जब मैं इनको देखती हूँ ये थोड़ा बहुत रिकवर करें तो ये मेरे लिए एंटी डिप्रेशन का काम करते हैं, मेरी जो टेंशन है जो थकावट है वो इनको देख के दूर हो जाती है। कितने टाइम के लिए आप यहाँ आती हैं, कितने दिन के लिए आती हैं, और कितने टाइम पीरियड आप इनको जो है प्ले? यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आती हूँ, घुड़सवारी तो इंसान डेली बेसिस पर भी करे तो वो भी कम है, मतलब रोज़ाना करनी चाहिए। एक तो ये फिटनेस के लिए बहुत बेहतर है, और अगर हम इसे कहें कि ये सिर्फ हॉर्स राइडिंग है तो ये एक स्पोर्ट भी है। जो हॉर्स राइडिंग है मेरा ख्याल है कि सबको करनी चाहिए। ट्रेनिंग भी देती हैं कोई लड़कियाँ, अगर आपसे सीखना चाहें, आपकी ये वीडियो देख कर आपके पास आना चाहें? काफ़ी लड़कियों को शौक होता है इस चीज़ का, लेकिन आगे अपने आप को जो है प्रमोट नहीं कर पाती।
बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कोई लड़की सीखना चाहती है तो वो आए, बिल्कुल आए। असल में जो जिस स्कूल से मैं सीख रही हूँ वो अल्लाह रखा भाई का AR राइडिंग स्कूल है, तो अगर फीमेल्स आती हैं तो उनको के साथ मैं भी राइडिंग करूँगी, मैं उनको सिखाऊंगी भी, जहाँ तक हो सका मेरी गाइडलाइन की ज़रूरत हुई मैं गाइडलाइन दूंगी, लेकिन जो बेसिक टेक्निक्स हैं या जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तो उस्ताद ही बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि मेरे उस्ताद से ही सीखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक फीमेल्स को सिखाना कैसा एक्सपीरियंस है आपका मेल से ज़्यादा? मेल से ज़्यादा सिखाना तो हमारी ड्यूटी है। हाँ जी। कि लड़कियों को सिखाना लड़कों को सिखाना इसमें कितना फर्क? लड़कों को आसान है, लड़कियों को सिखाना सब मुश्किल है। टिकटॉक पे आना और हॉर्स के साथ आना ये कैसा एक्सपीरियंस? टिकटॉक पर जो मेरा कंटेंट ज़्यादा वायरल होता है वो भी हॉर्सेस के साथ ही ज़्यादा वायरल होता है मेरा कंटेंट, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हॉर्सेस को, इनकी राइडिंग को, इनके साथ जो मेरी टिकटॉक्स मैं बनाती हूँ, कुछ घोड़े तो मेरे साथ टिकटॉक्स बना बना के टिकटॉकर बन गए हैं। बन गए हैं आपकी तरह टिकटॉकर बन गए। अच्छा हीरा मैम, आपका पसंदीदा घोड़ा कौन सा है और कितना टाइम उसके साथ स्पेंड? मेरा पसंदीदा घोड़ा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं सदमे में रही हूँ कंटिन्यूसली, 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा टेंस माहौल रहा है मेरे घर पर भी और मेरे साथ भी, लेकिन उसके बाद मैंने मूव ऑन किया, मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, मतलब उसको मूव ऑन करवाने में। फिर उसके बाद से जो घोड़े मेरे फेवरेट रहे हैं वही घोड़े मेरे फेवरेट हैं जिन पे मैं राइड करती हूँ, जैसे एक घोड़ी है सानिया लव उसका नाम है, वो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है, इनको मैं नाश्ते में पराठा भी खिलाती हूँ, मुरब्बे भी खिलाती हूँ, फिर इनके लिए जो काले चने हैं वो भी मैं ले के आती हूँ, फिर इसके अलावा इनको जो मेडिकेशन हैं वो भी, इनको जो शावर वगैरह है वो भी मैं खुद करती हूँ समटाइम्स, ये नहीं है कि किसी और वजह से, मुझे इनसे प्यार इतना ज़्यादा है कि मैं इनको शावर, इनका जो वर्कआउट है वो मैं खुद कोशिश करती हूँ ताकि मेरी अटैचमेंट जो है वो घोड़ों के साथ ज़्यादा हो जाए, घोड़ों को मेरा पता चल जाए और मुझे घोड़ों की नेचर का पता चल जाए, इन सब चीज़ों की वजह से घोड़ों को मेरी इतनी ज़्यादा पहचान हो जाती है कि अगर ट्रैक में या ऑन फील्ड जो है मैं घोड़ों को आवाज़ लगाती हूँ ना रोकने के लिए, तो वो मेरी आवाज़ से रुक जाते हैं, मेरी आवाज़ से वो चल जाते हैं। जिस घोड़े के साथ आप राइडिंग वगैरह करती हैं उसके बाद किसी दूसरे घोड़े पर सवार होना वो एक टफ नहीं हो जाता, उसको हैंडल करना कैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं रह जाता, जब हम ऑन फील्ड ऑन ट्रैक राइडिंग करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 घोड़ों को काम देते हैं, तो हमें घोड़ों की नेचर का भी आइडिया हो जाता है और पता चल जाता है कि ये घोड़ा कहाँ पर जाके किस किस्म की क्या शरारत करेगा या किस चीज़ से ये डरता है, फिर उस तरह से जो सवार होता है या जो मैं हूँ फिर उस किस्म जहाँ पर वो शरारत करने लगता है वहीं पर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंजरी वगैरह या कोई भी ऐसा हादसा नहीं होता। आपको कब पता चलता है कि आपका घोड़ा बीमार है या वो अपसेट है या उसे कोई चीज़ चाहिए या वो हैप्पी फील कर रहा है? मिस देखें, जब हम किसी छोटा बच्चा, मिसाल के तौर पर जब कोई छोटा बच्चा हमारा होता है हम कंटिन्यूसली उसके साथ रहते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा अपसेट हो या उसे फीवर हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, बिल्कुल हॉर्सेस के साथ भी इसी तरह ही है, तो जब हम कंटिन्यूसली इनके साथ रहते हैं यहाँ पे इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर इनको थोड़ा सा भी ये लेज़ी हों, लेट रहे हों, बैठ रहे हों, ठीक से खाना ना खा रहे हों, दाना छोड़ रहे हों या कोई मामूल से हट के कोई ऐसी हरकत कर रहे हों, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सिक हैं, इल हैं, तो फिर उसकी फौरी तौर पर जो मेडिकेशन होती है हम वो कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इनकी मेडिकेशन की जाए।